दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल हैरी द मंत्रा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम है, जो हमारे देश के सीनियर सिटीजन हैं उनके लिए खासकर ये स्कीम है। ये स्कीम आप सरकारी बैंक और पोस्ट ऑफिस दोनों में खोल सकते हैं। भारत के जो भी प्रमाणित बैंक हैं, सर्टिफाइड बैंक और जो इंडियन पोस्ट ऑफिस है, डाकघर, इनमें आप इस स्कीम को खुलवा सकते हैं। उम्र का इसमें आवेदक 60 वर्ष का होना चाहिए या 60 वर्ष से अधिक जो है इस स्कीम को खुलवा सकते हैं। जो डिपोजिटर है, जो जमा करता है, वो इस खाते में एक राशि जितनी भी डालता है उसकी अधिकतम जो है 15 लाख रुपए है, उससे ज़्यादा आप इसमें जमा नहीं कर सकते हैं। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम एक लंबी अवधि, एक लॉन्ग टर्म के लिए जो सेविंग अकाउंट है, इसमें आप ज्वाइंट होल्डर भी खोल सकते हैं, यानी कि संयुक्त खाते भी खोले जा सकते हैं। लेकिन जो प्राइमरी डिपॉजिटर होगा, जो प्रथम जमाकर्ता होगा, उसकी आयु जो है 60 वर्ष या 60 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। दूसरा आवेदन जो सेकेंडरी एप्लीकेंट है, उस पे उम्र का प्रतिबंध नहीं है, यानी कि सीनियर सिटीजन यदि दादा है तो वो अपनी जो है पोती के साथ खोल सकता है और अपनी बेटी के साथ भी ये अकाउंट खोल सकता है। ये दोस्तों इस स्कीम की विशेषताएं और इसके क्या लाभ हैं। पहला जो है, इसमें आसानी से ये खाता जो है उपलब्ध है। आप अपने किसी भी स्थानीय बैंक और जो लोकल आपका डाकघर है, पोस्ट ऑफिस है, मैं एक साधारण सा एक फॉर्म भरकर भी इस योजना को खोल सकते हैं। और इसकी जो विश्वसनीयता है वो भारत सरकार द्वारा प्रायोजित एक निवेश उत्पाद है, इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट है, और सभी सुरक्षा का जो आश्वासन है, एश्योरेंस है, उसका टैग जो है इस स्कीम के ऊपर लगी होती है। एक से अधिक खाते, जो आवेदक है वो कई SC SS खाते खोल सकता है, वो व्यक्तिगत रूप से या संयुक्त रूप से ज्वाइंट इन्वेस्टर, जैसे मैंने पहले बताया वो सिंगल या ज्वाइंट के साथ भी अब खोल सकता है। लेकिन ज्वाइंट होल्डर में जो प्राइमरी होल्डर है उस पे जो है आयु का प्रतिबंध लगेगा, यानी कि उसकी आयु जो है 60 वर्ष की या 60 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। फ्लेक्सिबल स्कीम है, यानी कि खाते की जो अवधि है वो 5 साल की है, और यदि 5 साल पूरे होने पर इसे 3 साल और आगे बढ़ाया जा सकता है। इस प्रकार वरिष्ठ नागरिक जो है, भारत के वरिष्ठ नागरिक जो है इस बचत योजना या इसे मध्यकालीन निवेश या एक दीर्घकालीन योजना के रूप में ये काम करता है। और इसमें जो रिटर्न है वो हाई रिटर्न है, उच्च रिटर्न है। SC SS खातों में जो प्रतिवर्ष जो रिटर्न मिलता है 8.6% का जो है मिलता है, और टैक्स सेविंग जो कर बचत है आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80C के आदेश के अनुसार इसमें TDS इस स्कीमों में बचाया जा सकता है। SC SS जो खाता है उसमें जो है 15 लाख रुपए से अधिक आप इसमें निवेश नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार के SC SS निवेश एक बेहद सस्ती और स्केलेबल स्कीम है, यानी कि 15 लाख से ऊपर आप इस स्कीम में इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं, और 15 लाख से नीचे कितना भी अमाउंट है वो आप इस स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हैं। प्रीमैच्योर टर्मिनेशन का ऑप्शन आपको इसमें मिलता है, यदि कोई वित्तीय दबाव आता है तो आप अपने इस खाते को बंद करवा सकते हैं, लेकिन यह खाता कम से कम 1 साल जो है चलना चाहिए, उसी के बाद जो है आप इसको बंद करवा सकते हैं। और लास्ट एक अच्छी बात इसमें है कि मिनिमम डॉक्यूमेंटेशन है, जो दस्तावेज हैं इसमें जो आपके डॉक्यूमेंटेशन लगेंगे वो कम से कम, जो कि हर किसी के पास होता है, वो डॉक्यूमेंट इसमें लगेंगे। आपकी KYC लगेगी जिसमें आपकी उम्र साबित करता हो, यानी कि जो उस KYC उस दस्तावेज में जो है आपकी उम्र स्पष्ट लिखी हो, और उस दस्तावेज एक ऐसा दस्तावेज चाहिए जिसमें आपका एड्रेस, जैसे पासपोर्ट हो गया, आपका जन्म प्रमाण पत्र हो गया, या मतदान पहचान पत्र हो गया, वरिष्ठ नागरिक कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, या जो आजकल आधार कार्ड है, आधार कार्ड जो है आपका ID और एड्रेस दोनों प्रूफ होता है, उसके साथ आप एक पैन कार्ड लगा के जो है आप इस अकाउंट ओपनिंग का फॉर्म भर के इस अकाउंट को अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस या जो आपके सरकारी बैंक है उनमें जो है इस स्कीम को
खुलवा सकते हैं। तो दोस्तों ये जो भारत के वरिष्ठ नागरिक हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी स्कीम है, और साथ ही जो है ये आयकर के अधिनियम 1961 की धारा ATC के आदेश अनुसार जो है आपको इसमें जो है अपना TDS भी बचा सकते हैं।